चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इस घंटी को भी दबा लेना है वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर बताने वाला हूं, और आपको यहां पे बताऊंगा आपको कैसा अंदर से कूलर देखने को मिलता है। तो आप जहां पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको जहाँ पर हाईलाइट फीचर आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जहाँ पर 80 लीटर का जहाँ पर आपको लार्ज टैंक मिल जाएगा, और भी जहाँ पर आपको हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जहाँ पर आपको इस बॉक्स का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। साइड पर भी आपको जहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, कैन स्टार ब्रांडिंग आपको जहाँ पर मिल जाएगी, और साथ में दोस्तों आपको जहाँ पर कस्टमर केयर का भी नंबर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर इनसे जहाँ पर प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन पूछ सकते हैं। अगर मैं दोस्तों जहाँ पर अदर फीचर की बात करता हूँ तो आपको जहाँ पर और भी जहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कि क्या जहाँ पर नाम निकल गया है, क्या मॉडल नंबर है, क्या कलर है, आप जहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि व्हाइट कलर का जहाँ पर निकल गया है मॉडल नंबर, आप जहाँ पर पढ़ सकते हो। वॉटेज भी आप जहाँ पर 175 वाट का आपको मिल जाता है। एसी वोल्टेज 230 वोल्टेज की आपको जहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मिल जाती है, और जहाँ पर प्राइस भी आप जहाँ पर देख सकते हैं 16,999 रुपीज़ में आपको ये कूलर मिल जाएगा अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो आपको इसकी जो प्राइस है वो आपको काफ़ी सस्ते में पड़ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया, तो आपको ऊपर से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप जहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको जहाँ पर मैनुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको जहाँ पर रिमोट कंट्रोल भी मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस कूलर के साथ रिमोट कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस कूलर को चलाना सीखना चाहते हैं तो आप मैनुअल कार्ड को पढ़कर जहाँ पर सब कुछ सीख सकते हैं, और साथ में दोस्तों आपको जहाँ पर कुछ जहाँ पर व्हील वगैरह दिए गए हैं जिसके कारण आप कूलर के नीचे एडजस्ट कर इसको आप अपने आगे पीछे फेर सकते हैं, जो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों मैंने इस बॉक्स को फाइनली अनबॉक्स कर लिया, तो आपको जहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अंदर से। तो आप जहाँ पर देख सकते हो इसका कुछ जहाँ पर जो रंग है वो बिल्कुल वाइट है, तो आपको जहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप जहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छा जहाँ पर कूलर निकल गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन मार्केट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस कूलर को परचेज कर सकते हैं। तो आपको साइड पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और इस तरफ भी आपको जहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं जहाँ पर अदर फीचर की बात करता हूँ तो आप जहाँ पर देख लीजिए कूलिंग स्विंग टाइम हावर और स्पीड का भी आपको जहाँ पर फीचर वगैरह दिए गए हैं। अगर आप अपने कूलर की कूलिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप इस स्विच को ऑन कर लीजिए, स्विंग भी आप जहाँ से कर सकते हो, टाइम भी आप जहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हो तो उसकी भी आपको जहाँ पर फीचर मिल जाते हैं, हाई मीडियम लो वगैरह जो भी स्पीड आप एडजस्ट करना चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और साथ में आपको जहाँ पर पावर बटन भी दिया गया है, और साथ में आपको जहाँ पर LED बल्ब भी दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जहाँ पर आपको कूलर में प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ में आपको जहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको फीचर दिया गया जिससे आप अपनी हवा को सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप जहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको जहाँ पर इस कूलर में दिया जा रहा है, और आपको नीचे की तरफ भी यही आपको फीचर मिल जाएगा जिससे आप अपनी हवा को सेट वगैरह कर सकते हैं। तो ओवरऑल लुक आपको दोस्तों कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं जहाँ पे साइड से बात करता हूँ आपको साइड पर क्या मिलता है, तो आपको जहाँ पर दिया गया 2.0 एम्पेयर का फ्यूज़ आपको जहाँ पर मिल जाएगा साइड पर ही। और उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ से विंडो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी, तो आप जहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा देखने में। तो नीचे की तरफ भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, और उसके बाद अगर मैं ऊपर से बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन है जे ऊपर की तरफ, कुछ भी आप जहाँ पर देख नहीं सकते। और उसके बाद अगर मैं पीछे से बात करता हूँ तो पीछे से सबसे पहले तो आपको वायर मिल जाएगी, और उसके साथ आपको जहाँ पर कुछ हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी का क्या मॉडल नंबर है, क्या जहाँ पर वाटेज है, क्या फ्रिक्वेंसी दे दी थी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बॉक्स के पर ही बता दिया था। जैसा आप कुछ आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं जहाँ से नीचे की बात करता हूँ तो नीचे की तरफ भी आपको कुछ जहाँ पर खास नहीं देखने को मिलेगा, सेम ही वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जहाँ पर देख लीजिए इसकी वायर भी आपको जहाँ पर मिल जाएगी, तो कुछ आप
आपको नीचे से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वाटर टैंक भी मिल जाएगा, जिसको आप फिलिंग वगैरह कर अपने कूलर को कूलिंग भी कर सकते हैं। जैसा आपको दिया गया, आपको दोस्तों नीचे की तरफ 80 लीटर का वाटर टैंक मिल जाएगा। तो ओवरऑल लुक आपको दोस्तों कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप जहाँ पर देख लीजिए, आप नीचे वाटर वगैरह फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं जहाँ पे बात करता हूँ रिमोट कंट्रोल की, जी हाँ दोस्तों, आप इस कूलर को रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं तो जहाँ फिर आप जहाँ पे रिमोट का काम में लेकर, तो आपने कूलर को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमर भी सेट कर सकते हो, और पीछे की तरफ आपको जहाँ पर बैटरी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आपको कुछ इस तरह से रिमोट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इस कूलर के साथ रिमोट कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं दोस्तों इस कूलर का आपको चलाकर बताता हूँ कैसे जहाँ पर आपको इसके फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इस कूलर को इन्वर्टर पर ऑन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसकी खासियत की यही बात है कि आप इस कूलर को इन्वर्टर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली आप जहाँ पर देख लीजिए, मेरे घर में लाइट नहीं है अभी, तो मैं इस कूलर को इन्वर्टर पर चला रहा हूँ। तो आप जहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो कूलर है वो ऑन हो चुका है। तो देख लीजिए जहाँ पर हमारा कूलर ऑन चुका, काफ़ी हवा हमको दे रही है तेज़ी से। तो अगर मैं जहाँ पर फीचर की बात करता हूँ, तो दोस्तों अब मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको जहाँ पर कूलिंग, स्विंग टाइम, आवर और स्पीड का जहाँ पर आपको फीचर दिया गया। अगर आप कूलिंग वगैरह ऑन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जहाँ से बटन पर क्लिक कर लेना है, आपकी जो कूलिंग है वो ऑन हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो इसकी लाइटिंग है वो ऑन हो जाएगी। तो आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ पर स्पीड को गड़ा बढ़ा कर दिखाता हूँ। मैंने जैसे दोस्तों बटन पर क्लिक किया, तो आप जहाँ पर देख लीजिए स्पीड इसकी कम हो गई है, मीडियम पर आ चुका है। इसके बाद मैं फिर से इसका एक बार और बटन दबाऊंगा, तो आप जहाँ पर देख लीजिए लो पर आ चुका है, और हमारी अभी जो स्पीड है वो बंद हो चुकी थी। फिर से मैंने इसको ऑन किया, तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। स्विंग भी कर सकते हैं, मैं आपको जहाँ पर कर दिखाता हूँ। मैंने जैसे इसको स्विंग पर किया, क्लिक किया, तो आप जहाँ पर देख लीजिए इसकी जो लाइटिंग है वो ऑन होगी। और अगर आप जहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो आपको जहाँ पर आगे से इसकी जो मशीन है वो स्विंग होते हुए भी आपको दिखाई देगी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसा सब आपको जहाँ पर मिल जाएगा इस कूलर में, और भी जहाँ पर अगर आप इस जहाँ पर टाइम सेट करना चाहते हो तो वो भी आपको जहाँ पर फीचर दिया गया है। अगर आप कूलिंग ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप जहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने इस कूलर में वाटर फिल कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप कूलिंग ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे आपको जहाँ पर फीचर दिए गए हैं। कैनस्टार की तरफ से आपको ये कूलर मिल जाता है। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर लिया है, वहाँ से आप जाकर इसके जो प्राइस है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल लुक आपको साइड से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, और आपको इस साइड से कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों जहाँ से पर बात करता हूँ, आप इसमें जो पानी वगैरह वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको जहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ पर आपको फीचर दिया गया, जिससे आप इसको खींचेंगे बाहर की तरफ, तो आपका इसका जो मुँह है वो खुल जाएगा और आप जहाँ से पानी वगैरह बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आप जहाँ पर देख लीजिए, आप जहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आप तेज़ी से पानी फिल करना चाहते हो, यानी कि जल्दी से जल्दी पानी फिल करना चाहते हो, आपको साइड से विंडो को ओपन कर लेना है और वहाँ से आप पानी को फिल कर सकते हो, और आपको जहाँ से पता चल जाएगा कि आपका कितना पानी एडजस्ट हुआ है, जो सब कुछ आपको जहाँ पर पता मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि इस कूलर के साथ आपको जहाँ पर रिमोट कंट्रोल का फीचर दिया गया, जिससे आप अपने जब बैठे बैठे अपने रिमोट से ही अपने कूलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको जहाँ पर दिया जा रहा है इस कूलर में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा।